भारत के पास कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं? भारत की सेना बहुत ही जबरदस्त और इंडियन एयरफोर्स का फोर्थ स्थान है पूरे वर्ल्ड में, और 1,40,000 लोग काम करते हैं। फर्स्ट है फाइटर जेट राफेल, जिसकी स्पीड 2,222 है और इसके काफ़ी अच्छे फीचर हैं। सेकंड है सुखोई 30 MKI, जिसकी स्पीड 2,500 किलोमीटर पर आर है। थर्ड है मिराज 2,000 किलोमीटर, मिराज 2,000, इसकी स्पीड 2,336 किलोमीटर है। MiG-21 Vision, ये रूस का विमान है, इसकी स्पीड 2,230। LCA तेजस स्वदेशी तकनीक से बना हुआ हमारा जेट। रिसेंटली RBI ने स्टेट की GDP का डेटा पब्लिश किया है, तो चलिए बताते हैं इंडिया में टॉप 7 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ये जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पोजीशन पे है तमिलनाडु विद 5.8% ग्रोथ रेट के साथ। नंबर 6 पर है तेलंगाना 6.1% ग्रोथ रेट के साथ। नंबर 5 पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश 6.5 ग्रोथ रेट के साथ। नंबर 4 पोजीशन पे है मध्य प्रदेश विद 6.7 ग्रोथ रेट के साथ। नंबर 3 पर है हरियाणा विद 6.8 ग्रोथ रेट के साथ। नंबर 2 पर है कर्नाटका विद 7.3 ग्रोथ रेट के साथ, और नंबर 1 पर है गुजरात विद 8.2 ग्रोथ रेट के साथ। थैंक यू सो मच। 5th लार्जेस्ट मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी को जानेंगे। नर्मदा नदी का उदय मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट माइकल रेंज के अमरकंटक प्लेटू से होता है, जिसे हम नर्मदा कुंड भी कहते हैं। नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस के बीच रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट पार्ट में फ्लो करती हुई MP में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया के अलोंग 74 किलोमीटर और अंत तक गुजरात में 161 किलोमीटर, इन टोटल 12 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और एंड में गुजरात के भरूच में एस्ट्री बनाते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। कुछ फॉल्स और डैम से दांदर फॉल, इंदिरा सागर, ओम कारेश्वर, गुजरात में सरदार सरोवर डैम, नर्मदा बेसिन का एरिया 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है और नर्मदा की 41 ट्रिब्यूटरीज हैं। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र व खाने करेवा, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, सिंगरौली मध्य प्रदेश, पंचम घाटी मध्य प्रदेश, माकम अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, झरिया झारखंड, रानीगंज, वेस्ट बंगाल, तलचर उड़ीसा, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, नवेली तमिलनाडु। थैंक्स फॉर वॉचिंग।